हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग, वेलकम टू सिविल डिकोडर ऑफिशियल। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सेवा आयोजन पोर्टल की मेन वेबसाइट पर मैं हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, सेवा आयोजन पोर्टल के माध्यम से उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग वैकेंसियाँ फिलअप की जाती हैं। दोस्तों, अभी सेवा आयोजन पोर्टल पर काफ़ी दिनों से वैकेंसियाँ नहीं आ रही हैं टेक्निकल। दोस्तों, नॉन टेक्निकल तो इसमें लमसम 200 प्लस वैकेंसियों के लिए पोर्टल पर आवेदन हो रहे हैं। दोस्तों, अभी जो उत्तर प्रदेश में टेक्निकल असिस्टेंट ग्राम पंचायत लेवल, टेक्निकल असिस्टेंट ब्लॉक लेवल की जो जनपदवार वैकेंसी चल रही थी, दोस्तों इसमें काफ़ी जनपदों की वैकेंसी निकल चुकी थी और काफ़ी जनपदों की वैकेंसी अभी आना बाकी थी। तो दोस्तों, अभी टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी सेवा आयोजन पोर्टल पर नहीं आ रही है और ये जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ कि सेवा आयोजन पोर्टल पर कितने प्रकार के लिए पदों के लिए आवेदन चल रहा है और अभी वर्तमान में जो टेक्निकल असिस्टेंट की मुरादाबाद में वैकेंसी चल रही है वो किस टाइप की वैकेंसी है, उसमें सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। दोस्तों, मैं आपको पहले ओवरऑल वैकेंसी दिखाता हूँ कि कितने प्रकार के पदों के लिए आवेदन पोर्टल पर चल रहा है। दोस्तों, आपको जाना है आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब पर, जैसा कि मैं अभी आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो जैसे ही मैंने आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब पर क्लिक किया तो आपको वैकेंसी ओपन होकर दिख रहा होगा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। दोस्तों, मैं आपको पूरा अंतिम पेज पर दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको कितने प्रकार के पद हैं, कितने नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें आवेदन हो रही हैं, ये सब आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, मैं अंतिम पेज पर गया हूँ, उसमें 221 से लेकर 226 तक इसमें वैकेंसी शो हो रही है। तो दोस्तों, ओवरऑल जो सेवा आयोजन पोर्टल पर वर्तमान में पदों के लिए आवेदन हो रहे हैं अलग अलग विभागों में, वो आपके 226 पदों के लिए आवेदन हो रहे हैं। दोस्तों, ये वैकेंसी अभी आपकी करंट में ही निकाली गई, इसमें 7 घंटा 22 मिनट अभी रिमेनिंग है। दोस्तों, मैं आपको जो सेवा आयोजन पोर्टल पर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, ये आपकी 93 नंबर पर जो आपकी वैकेंसी दिख रही है टेक्निकल असिस्टेंट की, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और इसकी जो अंतिम तिथि है वो आपकी 30 जुलाई है। और ये जो विभाग रहने वाला है नगर विकास एवं नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन में है, और आपका जनपद रहने वाला है मुरादाबाद। दोस्तों, मैं आपको इसका डिटेल दिखाता हूँ, और इसमें जो अभी कुल आवेदन हुए हैं वो आपके 8 हुए हैं, और इसका जो वेतन है काफ़ी अच्छा है, 20,000 रुपये आपको प्रतिमाह इसमें वेतन मिलेगा। दोस्तों, मैं आपको रिक्त का विवरण दिखाता हूँ। दोस्तों, इसमें जो आपकी चयन कराने वाली संस्थान है, दोस्तों इसमें जो आपकी चयन कराने वाली कंपनी है वो आपकी SS इंटरप्राइजेस है, और आपका पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट, विभाग आपका नगरीय विकास एवं नगरीय रोजगार गरीबी उन्मूलन है। आपकी जो वैकेंसी पोस्ट की गई थी 22 जुलाई को की गई थी, आवेदन की अंतिम तिथि आपकी 30 जुलाई है, कुल रिक्तियाँ इसमें 1 है, और जो आपकी जो अनिवार्य योग्यता है ग्रेजुएट और डिप्लोमा, आपके पास ग्रेजुएशन हो या डिप्लोमा हो तो आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। और ये जो आपका कार्य का विवरण है टेक्निकल सुपरवाइजरी है, और इसमें आप इच्छित वर्ग में पुरुष, महिला, सर्विसमैन और स्पोर्ट्स पर्सन सारे ही आवेदन कर सकते हैं। आपके जो वेतन है 20,000 रुपये प्रतिमाह है, आयु सीमा आपकी 21 से 40 है, और जो आपका अपेक्षित अनुभव मांगा गया है वो आपका 5 साल का मांगा गया है, और आपका कार्यस्थल रहेगा वो आपका उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में रहने वाला है, और आपका जो पोस्ट है वो टेक्निकल एडवाइजरी के लिए है। अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल के देख लीजिए, और आप लोग अगर इसमें एलिजिबल हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। जो भी अभ्यर्थी मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट के आसपास के हैं वो इसमें आवेदन जरूर कर दें। और दोस्तों, इसी प्रकार आप लोग इस पर सेवायोजन पोर्टल पर वैकेंसी को सर्च कर सकते हैं, एक एक वैकेंसी आपको देखनी होगी, या फिर आप अपने यूजर आईडी पासवर्ड से डालकर उसमें आप लोग रिक्त के लिए आवेदन पर क्लिक करके आपके जो पोर्टल पर कितनी वैकेंसियां शो हो रही हैं आप उससे भी आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों, आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है, डाउट्स है तो आप लोग टेलीग्राम पर मैसेज करें, कमेंट्स करें, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने का पूरा प्रयास करता हूँ। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।